हेलो गाइस, स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना टारगेट गवर्नमेंट। जो मैं चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लीजिए सब्सक्राइब, और बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए ताकि आपको हर न्यू नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। जो भी गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड बात आती है हम आपको बताते रहते हैं। कोई भी एडमिट कार्ड है, कोई भी फॉर्म है, आप कैसे भर रहे हैं कैसे नहीं, वो हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो आज फिलहाल हम बात करें UP SSC के रजिस्ट्रेशन के बारे में। जैसे कुछ लोगों ने पेट में फॉर्म भरा है या UP SSC में आप जो भी फॉर्म भरते हो तो आपको क्या है पुराना रजिस्ट्रेशन निकाल लेना है। तो आपको सर्च मारना है ऊपर UP SSC पेट रजिस्ट्रेशन नंबर, नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर। तो उससे क्या है आपका UP SSC पेट की वेबसाइट UP SSC की वेबसाइट पर पहुंच जाओगे। जैसे आप पहुंचोगे वहां पे आपका आएगा कैंडिडेट नेम, और उसके बाद आपका फादर्स नेम, ये जो आपने फादर्स नेम डाला हो और या हस्बैंड नेम डाला हो वो आपका मांगेगा। और उसके बाद आएगा आपकी डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ सर्च डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, उसके बाद आपको क्या डालना है अपना कैप्चा कोड। जैसे आप कैप्चा कोड डालेंगे उसके बाद आपका जो है सर्चिंग पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सर्च पे क्लिक करोगे आपने जितनी बार भी UP SSC में आपने फॉर्म फिल किया होगा वो आपके रजिस्ट्रेशन शो हो जाएंगे। आपको पुराने रजिस्ट्रेशन से एक फ़ायदा है कि आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना है दोबारा। कभी कभी क्या होता है हम रजिस्ट्रेशन करते हैं उसमें गलती हो जाती है। तो आपको क्या है यहाँ पर सर्च रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाएगा। याद रहे आपको नाम, पिता का नाम और डेट ऑफ बर्थ वो आपको हाई स्कूल के हिसाब से डालना है। अगर आप ऐसे ही डालो कुछ गलत करोगे उसमें जो लिखा हुआ था रजिस्ट्रेशन में आपकी हाई स्कूल के मार्क्स ने उसी हिसाब से आपको सर्च मार लेना है। और आप जैसे सर्च मारेंगे आपकी पूरी हिस्ट्री आपके सामने आ जाएगी, आपने इसमें फॉर्म फिल किया था UP SSC के थ्रू। ठीक है, और फिलहाल चल रहे हैं पेट के, तो पेट वालों के लिए ये जरूरी है। कुछ लोगों के